हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही छोटे मोतियों से बहुत ही यूज़फुल और खूबसूरत आइटम बनाएंगे। ये 2 mm के वाइट कलर के मोती हैं, 2 mm के ही रेड कलर के हैं, एक दो गोल्डन कलर के भी हैं। और ये मैंने स्विम में नायलॉन का वायर पिरो लिया है ना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये 2 वाइट कलर के मोती पिरो लूँगी। दिख रहे हैं फ्रेंड्स, दिख रहे हैं ना, 2 वाइट कलर के मोती पिरो के। और फिर मैं यहाँ मोतियों को पीछे ले आऊँगी, यहाँ एंड छोर पर, और यहाँ एक काट लगा लूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये दो मोती पिरो कर मैंने गांठ लगा दी। एक गांठ और लगा लेते हैं ताकि मोती सिक्योर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने गांठ लगा लिए, ये हमारी गांठ का सिरा इस तरफ है नीचे की ओर। अब मैं सुई को ये हमारे धागे ये वायर नीचे की ओर है, अब मैं सुई को ऊपर की ओर ले जाऊंगी फ्रेंड्स। इसमें से डालते हुए सुई को ऊपर की ओर ले जाऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब 2 मोती और पिरो लेते हैं। ये मैंने 2 मोती वाइट कलर के 2 मोती पिरो लिए हैं। ठीक है, 2 मोती पिरो के फ्रेंड्स, 2 मोती पिरो के। ये जो सुई है ना फ्रेंड्स, अब मोती में नहीं डालनी, ये मोती के बीच में डालनी है। ठीक है, ये ऊपर धागा था, धागा ऊपर था, मैंने दो वायर ऊपर था, अब मैंने 2 पिरो लिए। अब मेरे को क्या करना है, ये 2 मोती अब मोती के अंदर नहीं डालनी, इन दोनों मोती के बीच में से ये सुई डाल के मैं यूँ निकाल लूँगी। ठीक है, निकाल लिया मैंने, मोती के अंदर नहीं डाली, बीच में से सुई डाली। और ये जो अब ये वाला मोती है ना, नेक्स्ट वाला, इसके नीचे से होकर, इसके नीचे से इसको इसको अब इसके नीचे से सुई मैं डालकर ऊपर निकाल लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ठीक है, तो ये 4 मोती इस तरह से हो गए। और मैंने ये वायर है तो इधर किनारे निकाल लिया है, 4 मोती हो गए। अब 1 मोती और पिरोऊंगी फ्रेंड्स, 1 वाइट मोती और पिरोऊंगी। ये देखिए, ये एक मैंने वाइट मोती और पिरो लिया इधर। ठीक है, अब इसको, इस सुई को मैं किसी मोती के अंदर नहीं डाल के इधर डालूंगी फ्रेंड्स, यहाँ नीचे से। ठीक है, दिख रहा है, नीचे से डाल के फ्रेंड्स, अब इसी मोती के अंदर से सुई ऊपर ले लूंगी। इसी मोती में नीचे से सुई डालकर मैं सुई को ऊपर ले लूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, दिख रहा है ना, पहले 2 मोती थे, अब 3 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, देखिए फ्रेंड्स, सबसे नीचे 2, फिर 3। अब मैंने ये धागा एक तरफ, मैं वाइट एक तरफ लेके एक वाइट मोती, पहले वाइट मोती पिरोया, फिर रेड मोती पिरो कर इस तरफ घुमा लिया इसको। अब मोती में नहीं पिरोना, ये जो 1 और 1, 2 है, इन दोनों के बीच में से यहाँ से लेना है सुई। ठीक है, यहाँ से लेके जो वाइट मोती है ना, अभी ये वाइट मोती दिख रहा है, इसके नीचे से सुई डालते हुए सुई को ऊपर लाएंगे।
देखिए ये वाइट मोती दिख रहा है ना आपको, इसके नीचे से ये देखिए, इसके नीचे से डाल के वापस सुई को ऊपर लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बताती हूँ मैं। फ्रेंड्स हमें एक वाइट एक रेड पिरोया था सुई में, वाइट मोती में से नहीं रेड मोती में से सुई को ऊपर लाएंगे। ये देखिए आप देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब फ्रेंड मैंने एक रेड मोती और पिरो लिया, रेड मोती पिरो के ये दो वाइट मोती है, इनके बीच में से यहाँ से मैं सुई लाऊंगी, दिख रहा है ठीक। और अब इसी जो मोती अभी भी पिरोया ना, इसी में से सुई डालकर मैं इस सुई को मैं ऊपर ले आऊंगी। इस बार मोती पिरोने का तरीका अलग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मेरे एक तो वाइट तो किनारे हो गए, दो बीच में हो गए है ना। अब एक वाइट मोती और पिरो के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में एक वाइट मोती पिरो लिया और ये दो एक और एक दो मोती है, इसके बीच में से मैंने ये सुई डाल ली और इसी मोती में से यूँ हाथ करके एक मिनट सुई को ऊपर लाएंगे। इस डिजाइन में फ्रेंड्स मोती पिरोने का तरीका बिल्कुल अलग है, ध्यान से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सुर में दो मोती थे, फिर तीन मोती हो गए, फिर चार हो गए, दो रेड दो वाइट, ठीक है। अब पांच मोती कर लेंगे, तो शुरू में मैं क्या करूँगी, एक वाइट मोती पिरो लूँगी, ठीक है। पिरो के बताते देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक वाइट और एक रेड मोती पिरो लिया है, दिख रहा है। अब ये नीचे वाले जो दो मोती है ना, एक रेड एंड एक वाइट, इन दोनों के बीच में से सुई यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। सुई निकाल दी अब वापस सुई को ऊपर लाना है। तो ये इस तरह से करा मैंने, और ये रेड वाला है ना मोती, इसके अंदर से मैंने सुई को निकाल दिया और टाइट खींच दिया फ्रेंड्स, ठीक है टाइट खींच दिया। अब मैं एक गोल्डन मोती पिरो लूँगी फ्रेंड्स, सिर्फ एक गोल्डन मोती, ये एक गोल्डन मोती पिरो लिया मैंने, ठीक है। एक गोल्डन मोती पिरो के इन दो रेड के बीच में से मैं सुई निकाल दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब वापस सुई को यहाँ ऊपर से लेते हुए, नीचे से लेंगे जब तो ये गोल्डन मोती खुल जाएगा, वापस यूँ ऊपर हाथ करके यूँ यहाँ पर वापस गोल्डन मोती में से सुई को ऊपर निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ठीक है। अब एक रेड पिरो लूँगी, अब पांच पिरो ना फ्रेंड्स, दो पहले पिरो फिर तीन फिर चार या पांच पिरो, तीन तो पिरो लिए मैंने। अब एक रेड एक एंड वाइट पिरो के मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में मैंने दो पिरोए, दिख रहा है, फिर तीन फिर चार ये पांच हो गए। अब मैं छह मोती पिरोंगी, दो वाइट दो रेड और दो वाइट। तो दो वाइट शुरू में एक साथ पिरोंगी, फिर एक एक मोती, एक रेड अलग पिरोंगी, एक रेड अलग पिरोंगी, फिर दो वाइट मोती अलग अलग पिरो के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, दो मोती मैंने शुरुआत में साथ पिरो लिए, दिख रहे ना। अब इन दो मोतियों के ये दो एक एक और एक दो मोती है, इसके हम बीच में से निकालूंगी, ठीक है। बीच में से निकाल के ये जो ये वाला मोती है ना, ये वाला, इसके इसको नीचे लाकर यूं खींच के और इसको इसके अंदर से सुई डालकर फ्रेंड्स मैं सुई को
भी देखे, सुई को ऊपर ले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो मोती हो गए। अब मैं एक रेड मोती पिरोंगी। रेड मोती पिरो लिया मैंने और इन दोनों मोतियों गोल्डन और रेड के बीच में जो ये ना, यहाँ से मैंने सुई को निकाल लिया और वापस इस सुई को इसी मोती में से ऊपर निकाल लूँगी, मोती में से डालकर। ये देखिए, ठीक है, फिर एक रेड और दो वाइट पिरो के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारे साथ छह मोती हो गए, एक दो दो वाइट, एक दो रेड, दो वाइट, दिख रहे थे फ्रेंड्स। और किनारे आ गए हम, ठीक है। शुरू में दो मोती साथ पिरो ने, बाकी एक एक मोती पिरो ने, और जिस मोती में पिरो ने वो नीचे से सुई डाल के उसी मोती में से सुई बांध लेते ऊपर आना है, इतनी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, पलट जाएंगे फ्रेंड्स उल्टी तरह से। अब छह पिरो, अब सात पिरोएंगे, अब सात हम एकदम वाइट पिरोएंगे। तो सबसे पहले मैं दो मोती पिरो कर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब नेक लाइन के लिए है ना, ये देखिए अब ये हमारी नेक लाइन बनेगी, ये वाले यूं पर, ठीक है। तो अब मैंने दो मोती सात पिरो ली, दो मोती सात पिरो के ये दो वाइट मोती है ना नीचे वाले, इन दोनों के बीच में ये जो तार है इसके यहाँ से यूँ, ये तार दिख रहा है, यहाँ से मैं सुई निकाल लूँगी। और ये जो ये वाला मोती है ना, इधर वाला सेकंड वाला, इसके इधर से मैं सुई डाल के, देखिए फ्रेंड्स, इसके इधर से मैं एक बार सीख जाओगे, बिल्कुल सरल है फ्रेंड्स। सेकंड वाला मोती है ना, उसके नीचे से यूं सुई डाल के इसको हम ऊपर खींच लेंगे। शुरू में मैंने दो मोती साथ पिरोए, ठीक है, टाइट खींच लेंगे, ये दो मोती हो गए। अब एक मोती पिरो कर, एक मोती पिरो लिया मैंने फ्रेंड्स, अब एक एक पिरोएंगे। और एक मोती पिरो लिया है, ये देखिए, अब मैं ये जो दिख रही है चीज रेड और वाइट मोती के बीच में ये जो जगह है, इसमें से सुई निकाल लूंगी, है ना, ये निकाल ली। और इसी जो मोती पिरो है इसी के अंदर से मैं सुई वापस ऊपर ले लूंगी, बस इतना सा काम है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पूरे तीन मोती पिरो लिए, चार मोती और पिरो के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो दो चार दो छः एक सात सात वाइट मोती पिरो दिए हैं और बीच में रेड का ये फ्लावर कितना सुंदर बनाया मैंने, है ना फ्रेंड। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता लगा आज मैं मोती से राखी बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये वाइट एकदम वाइट कलर की ये मोतियों से मैंने एक लाइन बना ली, एक लाइन और बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं मेरा ये वायर किनारे, यहाँ मैं दो मोती वाइट, शुरुआत में मैंने बताया आपको मैं दो मोती पिरोती हूँ, ये दो मोती मैंने वाइट पिरो लिए, ठीक है। दो मोती वाइट पिरो के फ्रेंड्स, ये इन दो मोतियों के बीच में ये तार दिख रहा है, यहाँ से सुई लेनी है, यहाँ से सुई लेके और ये जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला मोती है ना, इसके इधर से निकाल दो ये, ठीक है, या तो नीचे से ले लो या इधर से निकाल दो, एक ही बात है, ये ऊपर आ जाएगी सुई। पहले दो शुरुआत में पिरो ली, अब एक एक मोती पिरोती रहूँगी और सुई इधर से डालती रहूँगी, और जो मोती पिरो है उसी में से सुई ऊपर ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, बेल बटन का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, है ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये फ्री है। और फ्रेंड्स देखिए, नीचे से निकाल लेंगे हम सुई को
और चाहे तो यूं करके यूं मोती को घुमा कर नीचे से ले लो और यूं इजी रहता है। देखो इस तरह से यूं करा और इस जो स्वी अभी अभी मैंने भिड़ोया था ना मोती, उसी के अंदर से ये मैं लेते हुए सुई निकाल लूँगी, ऊपर ले लूँगी। ये थोड़ा तरीका अलग है फ्रेंड्स, ये तीसरा मोती हो गया। इस तरह से मैं 8 मोती पिरो कर मिलती हूँ। एक लाइक तो कीजिए फ्रेंड्स और मेरा वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली में है ना शेयर कीजिए। पूरे 8 मोती पिरो कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 8 मोती पिरो लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा राखी का एक हिस्सा बन गया है। अब सुई को इन मोतियों में से डालते हुए आएंगे और ऐसा दूसरा हिस्सा बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, पहले मैं इधर से यूँ निकालूंगी, अब मैं ये इनमें डालते हुए सुई को, ये देखिए सुई को डालते हुए मैं नीचे आ जाऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल यहाँ है ना, नीचे आ गई हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक तरफ का हिस्सा बन गया फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ फर्स्ट लाइन 2 थी, अब मैं 3 वाइट पिरो लूँगी। तो 2 पहले पिरो के बताती हूँ आपको। एक और ये 1, 2 दो पिरो के है ना, ये देखिए ये मैंने यूं करा और वापस से अब सुई को ऊपर लाना है। तो नीचे से इस सुई को वापस यहाँ ये सुई को ऊपर ले आए खींच देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक और पिरो लेंगे। एक और पिरो के फ्रेंड्स, ये देखिए एक और पिरो के इन दोनों नीचे वाला जो वाइट है इसके यहाँ से है ना, इसके यहाँ से सुई निकाल के और अभी जो वाइट पिरो है उसी के अंदर सुई डाल के ये देखिए इधर से करके ये देखिए सुई हम ऊपर ले आएंगे। ये 3 मोती हो गए। अब इधर का पोर्शन बनाएंगे ना फ्रेंड्स, शुरू में 2 थे फिर मैंने अब 3 बना लिए यहाँ, ठीक है 3 बना लिए। अब दूसरी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई इधर की, फर्स्ट तो बनी हुई थी 2 की और 3 पिरो ली। अब 4 बनाएंगे, 4 तो 1 वाइट, ठीक है 1 वाइट है और 2 रेड और 1 वाइट। तो पहले मैं क्या करूँगी, 1 वाइट पिरो लूँगी। शुरुआत में मैंने बताया ना आपको 2 7 पिरो होते हैं, सुई निकल गई है। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में मैंने 1 वाइट और 1 रेड मोती पिरो के नीचे से लेके इसी में से ऊपर लिया है सुई, फिर अब 1 वाइट पिरोया मैंने और सुई को इन दोनों वाइट के बीच में से ले लेंगे, ठीक है लेकर। और ये जो है ना अभी पिराया इसी में से नीचे से या इधर हाथ घुमा के पीछे से इसी मोती में से हमें ये सुई ऊपर लेनी है, ठीक है। अब वापस मैं 1 वाइट पिरो लूँगी। इस तरह से जैसा इधर फ्लावर बनाए इधर भी फ्लावर बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 पिरो लिए, 1 वाइट 1 रेड 7 पिरो है, फिर बीच में से नीचे से सुई निकाल के 2 तारों के और फिर इसी में से ऊपर सुई ले ली, फिर 1 गोल्डन पिरो है, फिर 1 रेड पिरो है, फिर 1 वाइट पिरो, 5 पिरो लिए, लास्ट में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सुई निकल गई फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ शुरू में 2 वाइट पिरो लिए, ठीक है अब 6 पिरो ने हमें इस लाइन में 6 पिरो ने 2 वाइट 2 रेड 2 वाइट, तो 2 वाइट पिरो लिए मैंने, मोती दिख रहे हैं फ्रेंड्स। अब इन मैंने बताया ना ये नीचे वाले 2 मोती इनके बीच में से ये तार दिख रहा है, इसमें से सुई निकालेंगे
और या तो नीचे से सेकंड वाले में से निकाल लो सुई, या ऐसे दिक्कत होती है तो यूं पीछे हाथ ले जाओ और ये इस तरह से सुई निकाल लो ऊपर। ये देखिए, ये दो मोती मैंने शुरू में, हमेशा कहती हूँ ना मैं, दो मोती शुरू में एक साथ पिरो ना, अब एक रेड पिरोंगी अकेला, फिर इधर में से पहले रेड मोती पिरोंगी, पहले मोती पिरोना है चाहे रेड हो चाहे वाइट हो, पहले रेड मोती पिरोया, फिर वो नीचे वाले दो मोती है ना ये और ये, इनके बीच में से ये तार है, इसमें से निकाला, ठीक है, पीछे हाथ ले गए और ये देखिए इस तरह से वापस इसी मोती में से मैंने सुई बाहर निकाल दी। फिर एक रेड पिरोंगी तो पूरा गोला हो जाएगा, ऐसा फ्लावर बन जाएगा, पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो वाइट, दो रेड, दो वाइट पिरो, छह पिरो लिए, अब ऐसे सात है जो इधर प्लेन है ना, ये वाइट मोती, सात और आठ की लाइन बनाकर यूं मैं घूम जाऊँगी, इधर उल्टा कर लूँगी इसको, ठीक है। अब शुरू में मैं दो मोती वाइट पिरो कर और इसके नीचे से सुई निकाल लूँगी और सेकंड वाले में से सुई ऊपर ले लूँगी, तो सात मोती आठ मोती प्लेन पिरो कर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम टू सेम इधर भी ऐसा कैसा प्लान लिया, बना लिया, लास्ट में आ गए। अभी मेरा ये वायर इधर है, इस वायर को, इस सुई को मैं इधर 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 डालते हुए यहाँ ले आऊँगी और बीच में एक रेड कलर का बड़ा मोती लगाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये आ गए और यहाँ आ गए, दिख रहे ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है ना बीच वाला मोती, इसी के ऊपर मैं एक मोती रेड वाला बड़ा मोती लगाऊंगी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने मोती पिरो लिया है, ठीक है, और यहाँ ये सेट कर दूंगी मैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में मैंने ये रेड मोती डाल दिया है ना। देखिए देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना। अब मैं इसको धागे को इधर से निकालते हुए कट कर लूंगी, आगे ले जाके थोड़ा सा, ये गोल्डन वाले में आता है तो गोल्डन में, नहीं तो ये इसमें वापस से ही मैं निकाल के इसको कट कर लूँगी फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए हमारा राखी का बेस बनकर तैयार हो गया है ना। अब मैं यहाँ साइड में तीन तीन मोतियों, चार चार मोतियों की थोड़ी थोड़ी लड़ी बना के बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये ना आठ मोती है ना ऊपर से, या मैंने बीच में ये देखिए, ये यहाँ मैंने सुई निकाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इस बार मैंने थोड़ा बड़ा मोती लिया है, एक नंबर बड़ा, एक मोती पिरोंगी, बीचों बीच एक मोती पिरोया, ठीक है, और गांठ लगा दी फ्रेंड्स। वो मेरा डोरा छोटा हो गया, उसी वायर से मैं कर सकती थी, लेकिन मैं छोटा हो गया इसलिए मैंने नया वायर पिरोया फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ नॉट लगा लेंगे, एक मोती पिरो कर, इसे खींच देंगे, एक और लगा लेंगे यहाँ गांठ, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसे खींच देंगे प्लायर से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये लेके इसको तो मैं भी काट दूंगी, है ना। अब मैं तीन मोती पिरूंगी फ्रेंड्स, देखिए एक दो और ये तीन, तीन मोती पिरो ली। तीन मोती पिरो के फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना फर्स्ट मोती, एक सिंगल पिरोया था, उसके इधर से मैं सुई डाल के ये देखिए इस तरह से बना लूंगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सुई को ऊपर लाना है, इस वाले में मोती में मैं निकालूंगी, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स, तीन मोती लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक मोती पिरोया, फिर तीन मोती पिरोए, फिर तीन मोती पिरोए, फिर इस वाले जो ऊपर टॉप वाला मोती है उसके अंदर से यूं उल्टा हाथ करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन जाएगी लड़, फिर ठीक है। फिर मोती को ऊपर लाएंगे तो ये साइड वाला मोती, इसके अंदर से मैंने सुई निकाली, ठीक है। अब फिर तीन मोती पिरो के ये एक दो दो फूल और बना के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ करते करते आ गई, इधर भी मैंने बना लिया है, ठीक है, दोनों तरफ से बना लिया। और यहाँ मैं इसको पक्का करके कट कर दूंगी फ्रेंड्स, ज़्यादा यूँ नहीं करेंगे, मुड़ जाएगी नहीं तो ये सुई नीचे ले जाएंगे। इस तरफ से मैं इसको पक्का कर दूंगी फ्रेंड्स, ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ मैं इसको सुई को डाल के यहाँ पक्का कर दूँगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ बांधने के लिए यहाँ ये डोरी लगाएंगे ऊन की, ठीक है, लगा के बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये ऊन के दो तार जोड़ लिए हैं, और सुई से मुश्किल से पिरो जाता है फ्रेंड्स, तो मैंने पहले ही बताया ये छोटा तार लेके मैं इसको इसमें से निकाल दूंगी। ये देखिए ये निकाल दिया मैंने, ये देखिए, है ना। और इधर ये बंद है तो इधर से यूँ खींच के मैं ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ये मेरे डोरी लगा लूँगी, ठीक है। इधर भी लगा के बताती हूँ, और तार ये बिल्कुल छोटा सा पतला सा है, है ना। इस तार में मैं इस ऊन को फंसा कर मोती में डाल दूंगी। सुई मोटी रहती है, सुई का जो पीछा वाला हिस्सा होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत मोटा होता है, तो पिरो ही नहीं जाती। मैंने ऊन को फंसा लिया है, इस तार को मैं एकदम एकदम पतला कर दूँ दोनों को मिलाकर, ठीक है। और इधर का जो ये ऊपर वाला है ना, ये इसके अंदर से ये तार, दोनों तार निकाल दूंगी, देखिए फ्रेंड्स, प्लायर की सहायता से मैं इसको एकदम सीधा सीधा और इकट्ठा कर लूंगी।
अभी आसानी से डल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आया ना, ये देखिए हैं। तो ये देखिए, अब मैं ये इसको निकाल दूँगी तार को, और इधर से जो बंद है ये बंद है, इसमें सीम डाल के ये हमारी राखी की डोरी तैयार है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी राखी मोतियों की बन के कितनी सुंदर तैयार है ना। पहन के बताती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं जला दूँगी ताकि खुले नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरी राखी बनके तैयार है, कितनी सुंदर बनी है ना। ये इधर देखिए, ये इधर मेरे साइड से डोरी की जगह मोती के क्या फूल लगा दिए, इधर भी लगा दिए, और इधर ही बांध के बताया मैंने आपको। ठीक है, तो बनाइए राखी, बहुत सुंदर बनके तैयार हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।